इसराइल पर ईरान के हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इधर इजरायली सेना की नजर ईरान के परमाणु ठिकानों पर है और सूत्रों के मुताबिक इसराइल कभी भी हमला कर सकता है। इस बीच खबर है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है और ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक में ईरान पर हमले की प्लानिंग पर चर्चा की। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कई परमाणु ठिकाने इसराइल के निशाने पर हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। ईरान के हमले के बाद 24 घंटे से भी कम समय के भीतर इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने वॉर कैबिनेट की दूसरी बैठक की। वहीं इसराइली सेना प्रमुख ने चेतावनी दी है कि ईरान के मिसाइल हमले का जवाब दिया जाएगा। वहीं इसराइल के संभावित हमले की आशंका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी अलर्ट हो गया है और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।